हेलो दोस्तों परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि मात्र बीस हजार रुपए में आप इंडिया से सऊदी अरब कैसे जा सकते हैं और कौन से लोग जा सकते हैं कहां से जा सकते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और जरूरी अपडेट आप सबके लिए आई है कोवैक्सीन को लेकर अपडेट आई है अगर ये खबर अभी तक आपको नहीं मिली है तो आपको बता दूं कि डब्ल्यू एच ओ ने कल ही तीन नवंबर को ही कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया यानी कि अब आप को वैक्सीन भी विदेश की यात्रा कर पाएंगे कोवैक्सीन भारत बायोटेक बनाती है चौबीस साल पुरानी कंपनी है सोलह बीमारियों की वैक्सीन बनाती है एक सौ तेईस देशों में सप्लाई करती है तो अब भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को भी डब्ल्यू एच ओ ने मंजूरी दे दी है तो कोवैक्सीन लगवा कर भी आप विदेश की यात्रा कर पाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट के बारे में तो इंडिया से अगर आप सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रेवल करना चाहते हैं डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जा सकते हैं टिकट के जो दाम है वो मात्र बीस से बाईस हज़ार रुपये के दरमियान है इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट से इसके अलावा और भी कुछ एयरपोर्ट हैं जहाँ से सऊदी अरब के रियाद के लिए दमाम के लिए और जद्दा के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं लेकिन डायरेक्ट जाने के लिए शर्त यह है कि आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवा सऊदी अरब से ही इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं यानी वैक्सीन की जो आपको डोज लगी हो जो कंप्लीट डोज लगी हो वो सऊदी अरब में ही लगी हो तो जुलाई महीने से ही सऊदी अरब में वैक्सीन की फाइनल डोज लगनी शुरू हो चुकी थी उसके बाद दोस्तों बड़ी संख्या में लोग छुट्टी पर भी इंडिया में आए हुए हैं तो वो भी लोग जाना शुरू हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए दोस्तों टिकट के दाम काफ़ी कम है मात्र बीस से बाईस हज़ार रुपये में आप टिकट खरीद कर इस नवंबर महीने में अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं टिकट के जो दाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अभी टिकट के दाम क्या आ रहे हैं तो मैं मुंबई से जद्दा चेक करता हूँ सबसे पहले मैं 28 नवंबर के लिए चेक कर रहा हूं तो 28 नवंबर में अभी जो टिकट के दाम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं बीस हज़ार तीन सौ तिरसठ रुपये आ रहा है एयर इंडिया की फ़्लाइट है ये डायरेक्ट फ़्लाइट होगी बॉम्बे से जद्दा के लिए पाँच घंटे चालीस मिनट में पहुँचाएगी सात पैंतीस की फ़्लाइट है दस पैंतालीस पर आप पहुँचेंगे जद्दा ये आ रही है मुंबई से जद्दा के लिए अब आपको मैं रियाद के लिए दिखा देता हूँ कि अभी रियाद के लिए फेयर क्या आ रहा है चलिए मुंबई से मैं रियाद के लिए दिखा देता हूँ कि रियाद के लिए अभी फ्लाइट के टिकट के दाम क्या हैं वो चलिए मैं वो भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ तीस नवंबर मैंने सेलेक्ट किया है कि तीस नवंबर में मुंबई से रियाद के लिए अभी फ़्लाइट के टिकट के दाम क्या हैं तो ये आप देख सकते हैं जो अभी रियाद के लिए टिकट के दाम आ रहे हैं वो बाईस हज़ार चार सौ तिरसठ रुपये आ रहा है ये भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है डायरेक्ट फ्लाइट है सुबह की फ़्लाइट है छः बजे की फ़्लाइट है सात चालीस पर आप रियाद पहुँच जाएंगे तो ये रियाद की फ़्लाइट हो गई दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि दमाम का क्या है चलिए मैं दमाम भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि दमाम का टिकट क्या क्या आ रहा है ये मैं जो भी चेक कर रहा हूँ दोस्तों ये मुंबई एयरपोर्ट से चेक कर रहा हूँ दिल्ली से भी फ़्लाइटें आपको मिल जाएंगी तो दमाम के लिए मैं चेक करके बता देता हूँ पच्चीस नवंबर मैंने सेलेक्ट किया है मुंबई से दमाम के लिए तो मुंबई से दमाम के लिए अभी जो फ्लाइट के टिकट के दाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप देख सकते हैं बाईस हज़ार चार सौ तिरसठ रुपये आ रहा है ये भी डायरेक्ट फ्लाइट होगी मुंबई से दमाम के लिए रात को आठ पच्चीस की फ़्लाइट है रात में सऊदी टाइम के हिसाब से आप आ, नौ बजकर चालीस मिनट यानी इक्कीस चालीस पर आप पहुंचेंगे सऊदी में तो ये दोस्तों टिकट के दाम अभी आ रहे हैं नवंबर महीने में जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं सऊदी अरब से जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो लोग लो डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं बाकी जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं तो वो वो लोग अभी वाया दुबई होकर या वाया नेपाल होकर ही ट्रेवल कर पा रहे हैं तो उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो चुकी है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग दुबई से होकर सऊदी अरब निकल चुके हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो छुट्टी बढ़ाई हुई है वो मात्र 30 नवंबर तक बढ़ाई हुई है यानी 30 नवंबर तक इकामा भी एक्सटेंड किया है फ्री में इसके अलावा एग्जिट रे भी नवंबर तक ही एक्सटेंड किया है तो क्योंकि चौदह दिन उनको स्टे भी करना पड़ रहा है तो इसलिए बहुत कम संख्या में लोग बचे हुए हैं जो भी लोग बचे हुए हैं वो बारह तेरह चौदह नवंबर तक वो भी लोग इंडिया से निकल जाएंगे बहरहाल दोस्तों जो भी लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं उनके लिए अभी सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उनको अभी तक परमिशन नहीं दी गई है आगे दोस्तों इस पर कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुँचाई जाएगी इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए गुड बाय